अच्छा आ जाता है ना इसका टेस्ट भी।
ऐसा बन जाता है ना कि अच्छा लगता है ऐसे। तो ये थोड़ी सी मेरे फुल डे का था रूटीन, तो क्योंकि शेयर करने के लिए भी कुछ नहीं होता, मतलब डेली क्या कॉन्सेप्ट रखे या क्या आप लोगों के साथ क्रिएशन अपनी जो है वो शेयर करे बंदा, तो समझ भी नहीं आता। तो फिर जैसे जैसे कुछ काम होता जाता है तो उसका पार्ट होते हैं ना वो मैं बना लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैंने सब कुछ ऐड करके वही बेसिक से मसाले थे जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, और अभी मैं इनको अच्छे से भून लेती हूँ, फिर कवर कर देती हूँ अभी 2-4 मिनट के लिए ताकि अच्छे से जो है वो भून जाए। इसके बाद आपको जितना इसके अंदर पानी लगाना है पानी लगा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ना गल जाए आलू भी और बैंगन भी। तो दूसरी साइड पे ये कर रही हूँ जिसको मैंने पानी लगा के इसको मैंने कर देना है जी कवर ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने आटा अपना डन कर लिया, आटा वगैरह मैंने गूंद लिया, साथ ही टाइम वेस्ट भी ना करते, अच्छे बच्चे हैं मतलब अच्छी हाउस वाइफ है ना, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे ये देखें जी बिल्कुल अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है और अच्छे से जो हमारा सालन था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि जी आपको ये आज की मेरी रेसिपी और ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा इसका लुक फाइनल लुक आपको एंड पे नज़र आएगा। तो यहाँ भी हम लोग जा रहे हैं जी फार्मेसी पे, डी वॉटसन फार्मेसी है DHA सेक्टर ए में, तो वहाँ पे जा रहे हैं जी हम लोग, तो कुछ मेडिसिन लेनी थी, इंजेक्शन वगैरह लेने थे। तो ये देखिए डी वॉटसन फार्मेसी पे आ गए हैं जी हम लोग, तो यहाँ से अपनी मेडिसिन लेके हम लोगों ने जाना था जी सीधा डिस्पेंसरी, DHA में डिस्पेंसरी है, उधर जाएंगे वहाँ जाके अपना जो भी था मेडिसिन वगैरह करवा लेंगे। तो इसके बाद ये था कि थोड़ा सा नाइट का मैंने जो रेसिपी ट्राई की थी ना, तो वो भी खाना खाने लगे हैं, इधर चपाती रोटी मैंने बना ली थी साथ। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा, अच्छा लग रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।